चलिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां कैबिनेट की बैठक जारी है। आवास गृह राधा कुंड मथुरा, सातवां राही पर्यटक आवास गृह सांडी झील हरदोई, आठवां है राही पर्यटक आवास गृह नीमसार सीतापुर। उसको प्रत्येक खेत के साथ जियो रेफरेंसिंग हो सकेगा और भू अभिलेख के साथ मानचित्र के डिजिटलाइजेशन और अंश निर्धारण का कार्य भी राजस्व परिषद कर रही है, वो भी उसके भीतर अंकित हो जाएगी। वो इसमें तीन रजिस्ट्रियाँ होनी है, एक फार्मर रजिस्ट्री, दूसरा भू संदर्भित मानचित्र रजिस्ट्री और तीसरा ये इन तीनों को फिर एकीकृत कर इसके भीतर किया जाएगा। और इनका उद्देश्य है फसलों के आच्छादन से संबंधित रियल टाइम शुद्ध डाटा प्राप्त किया जाए, जिससे योजनाओं का नियोजन और लाभार्थियों का सत्यापन, कृषि उत्पादन के विपणन आदि की सुविधाजनक व्यवस्था हो सकेगी। पोर्टल पर सब हो रहेगा तो उसके माध्यम से जो है वो जो इन प्रोसेसर्स हैं वो भी उसका लाभ पा सकेंगे। इनके किसानों का पहचान और प्रमाणीकरण इससे सुगमता से किया जा सकेगा। बार बार किसानों को विभिन्न योजनाओं के लिए प्रमाण पत्रों के लिए जाने की जरूरत होती है तो उनका आधार ऑथेंटिकेशन होने के नाते उन्हें अब उसकी आगे बार बार उसकी जरूरत नहीं होगी। और इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर MOU आपस में क्रियान्वयन किए हैं और उसमें राज्य स्तर पर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी, जिसमें कि अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद रहेंगे और साथ साथ में कृषि विभाग, पंचायती राज, उद्यान और विभाग और टेक्निकल डायरेक्टर NIC का टेक्निकल डायरेक्टर और कृषि के वित्त नियंत्रक, JD राज्य नोडल अधिकारी और एक डिजिटल एग्रीकल्चर, ये लोग उसके भीतर उसके सदस्य होंगे। डिजिटल क्राप सर्वे का सत्यापन समय समय पर थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा भी कराई जाएगी और थर्ड पार्टी और अन्य एजेंसी का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी करेगी। इसके योजना का जो लाभ होगा, फसलवार आच्छादन की सटीक जानकारी मिल सकेगी, राज्य के वास्तविक घरेलू उत्पाद